नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। राज्य में इस वक्त होमगार्ड जवानों के हजारों पद खाली हैं, इसलिए राज्य सरकार जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति करना चाहती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार होमगार्ड विभाग में खाली पड़े लगभग 19,000 से 30,000 पदों पर भर्ती कर सकती है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। साथ ही अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सफलता के फ्री ई-बुक्स फॉर होमियोगार्ड्स डाउनलोड नाउ की सहायता ले सकते हैं। इन कोर्सेज को खास आपकी सहायता के लिए सफलता के एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है, 60% लोगों को कम से कम एक टीका लग चुका है। अदालत ने कहा कि अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस घटनाक्रम में पुलिस ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों की संख्या 14 पहुंच गई है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर बुधवार सुबह जोरदार बम धमाका हुआ है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। धनखड़ ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह सांसद के आवास के बाहर बम विस्फोट चिंता की बात है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। मैं इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं। जहां तक अर्जुन सिंह की सुरक्षा का सवाल है तो पहले भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के लिए बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय कराएगा। प्रदेश के सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज, डेंटल नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेजों को अब अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा रहा है। ऐसे में बीएससी नर्सिंग कोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा भी यही विश्वविद्यालय कराएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया, जबकि हकीकत यह है कि किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। महंगाई की मार ने किसानों को तबाह कर दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह सपा से अलायंस के लिए तैयार है। मीडिया को यह सवाल उनसे सपा नेता से पूछना चाहिए कि वह तैयार है या नहीं। सपा बसपा हमको अछूत मानती है तो इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं। साथ ही सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस सवाल पर कहा कि हम उनके साथ हैं, जल्द ही उनसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मंत्रियों को संबंधित राज्यों की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंकने का साफ संदेश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक पीएम ने इसी हफ्ते चुनावी राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के बाद इस आशय का निर्देश जारी किया है। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारी व सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा कंदर लाजे, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे व विवेक ठाकुर को सह प्रभारी बनाया है। डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस DRI टीम ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से तस्करी का सोना लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे एक तस्कर को करीब 4.5 करोड़ रुपए कीमत के विदेशी सोने के साथ धर दबोचा। यह सोना रियाद से आने वाली फ्लाइट से लाया गया था। टीम ने बरामद सोने को अपने कब्जे में ले लिया है। बरामद सोने का वजन करीब 9 किलो बताया जा रहा। DRI टीम ने एयरपोर्ट से सोने के साथ तस्कर को बाहर निकलवाने वाले कस्टम के एक हवलदार को भी गिरफ्तार किया है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।